गाइस ये है डे टू इन केदारनाथ और आज हम जा रहे हैं दर्शन करने। सुबह के अभी बज रहे हैं 2:30, सो हमें दिव्य दर्शन करने हैं, इसलिए हम जब जल्दी उठ गए और जल्दी लाइन में लग जाएंगे जिससे हमें दर्शन मिल जाएं। सो निकलते हैं अभी दर्शन के लिए। अभी मैं और मानिक जा रहे हैं, मानिक थोड़ा आगे निकल गया है और बाकी के लोग हमारे पीछे आएंगे क्योंकि अभी रेडी नहीं हुए। तो चलिए गाइस चलते हैं और दर्शन करते हैं आज फाइनली दिव्य दर्शन। मेरा नंबर तो मैं नंबर क्या ही बोलूं, घर वाले लगा के बैठे हैं कि कब लग जाए इसका नंबर। तो फाइनली दिव्य दर्शन हो चुके हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए, मतलब बिल्कुल हम के पास जो जिसको शिवलिंग बोलते हैं बिल्कुल उसके पास जाके उसको टच करके पूरा घी लगा के जल चढ़ा के बेलपत्ती चढ़ा के बिल्कुल अच्छे से दर्शन किए और मज़ा आ गया। काफ़ी टाइम हुआ रुके भी, तो यही दर्शन करने में आया था। और जिन लोगों को पता है नहीं पता कि मैं दोबारा केदारनाथ क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि पिछली बार मैं दिव्य दर्शन नहीं कर पाया था और मेरे को इस बार दिव्य दर्शन करने थे, तो वो दर्शन मेरे हो गए एंड फाइनली मेरे केदारनाथ जो ट्रिप है एक तरह से वो जो दर्शन है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। सो या अभी चलते भैरव बाबा के यहाँ। जय हो शंकरा आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। ये आदि शंकराचार्य जी का जो भी मनाया मंदिर, तो ऐसा कुछ रास्ता है इसका। आप देखोगे तो ये है, अभी चलते नीचे। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकर गाइस। अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर। इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया फोटो वगैरह क्लिक करने में, लेट हो चुके हैं हम बहुत लेट हो चुके, शायद बासु का ताल ना कर पाए, बट फिलहाल तो चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर। और ये रहे हमारे भैरव बाबा का मंदिर, अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है चलते हैं और फिर वहाँ से आपको केदार वैली का व्यू दिखाएंगे। ये हम भैरव बाबा के मंदिर यहाँ दर्शन करते हैं और यहाँ से देखते हैं केदार वैली का व्यू कैसा है। केदार वैली पूरी
ये भैरव बाबा के ऊपर का सीन है, कितना सेक्सी लग रहा है ये। वो है अपनी केदार वैली ये। और ये सामने ना ये जो जा रहा है ये सारा, इसके ऊपर ना ये बासु का ताल है, यहाँ के लिए भी ट्रैक होता है। करने का मन तो था मेरा, बट शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे साथ वाले नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हम भैरव बाबा के यहाँ से आ रहे थे तो हमने यहाँ से भी छोड़ कर ले लिया, डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ गए। और ये नीचे आना है ऐसे, ये रहेगा शॉर्टकट। हमने सारे दर्शन कर लिए हैं केदारनाथ में, बट हमने ऊपर का ट्रैक नहीं किया बासुकी ताल का क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता। और अभी हम नीचे निकल रहे हैं एंड हमारे दो दोस्त हैं, दो वो ऑलरेडी नीचे निकल चुके हैं क्योंकि उन्हें कल ऑफिस लेना है। सडनली उनको ऑफिस लेना पड़ा तो वो जा रहे हैं, तो शायद वो तुंगनाथ भी नहीं करेंगे। तो अब हम निकलना है बाकी हेलीकॉप्टर की नॉइस, तो हम बचे हैं कुछ लोग, वो शायद तुंगनाथ करें। मोटा मोटा काम करके जाना भाई केदार। यहाँ पे थोड़ी देर पहले ना धूप निकल रही थी और अभी देखो सडनली चारों तरफ ना कोहरा कोहरा हो गया है और बारिश पड़ रही है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें 360 व्यू, कुछ नहीं दिख रहा आसपास, देखो दिस इज अमेजिंग। अभी मैंने एक टाइम लैप्स शूट किया है वो मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें, पहले ये देखो अमेजिंग। सो हम आगे टुंगनाथ नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे साथ वाले काफी थक गए थे, इसलिए हमने अपने टुंगनाथ का प्लान कैंसिल कर दिया और हम अपने घर के लिए निकल गए थे। सो अभी हम जा रहे थे घर के लिए और हमारी गाड़ी खराब हो गई, इसको सही कर रहे हैं और फिर निकलेंगे। सो फाइनली अभी मैकेनिक आ गया गाड़ी ठीक करने, और अच्छा वो हम टुंगनाथ नहीं गए क्योंकि अगर वहाँ से गाड़ी ख़राब होती तो बहुत प्रॉब्लम करती, तो हम टुंगनाथ में जाकर सीधे घर जा रहे हैं अब। और ये चीज़ सही हो जाएगी, हम इसी केस से 16 किलोमीटर पीछे हैं तो ये चीज़ सही हो जाएगी और निकलते हैं घर के लिए। और कैसा लग रहा है सुबह की मेहनत करके? पूरी रात नहीं सोया और अभी मेहनत कर रहा हूँ, धक्के मार मार के हमने गाड़ी खींची है।